आज की कहानी का नाम है बोने मियाँ। एक थे बोने मियाँ, इनका कद इंसान की उंगली के बराबर था। बोने मियाँ और उसकी बीवी बोनी दोनों जंगल में एक छोटी सी झोंपड़ी में रहा करते थे। इनके खाने के लिए रस भरे फल, पीने के लिए ठंडे पानी का चश्मा, खेलने के लिए रंगीन फूल और तितलियाँ, गर्ज हर तरह का आराम मौजूद था। एक दिन इस जंगल में एक बादशाह शिकार करने के लिए आया। दिन भर शिकार की तलाश में फिरता रहा, मगर कुछ हाथ नहीं आया। बादशाह की नज़र बोनी पर पड़ी। बादशाह इतनी छोटी सी बोनी को देखकर हैरान रह गया। उसने उस बोनी को अपनी जेब में डाला और अपने महल की तरफ चल पड़ा। बोने मियाँ आए तो परेशान होकर बोनी को हर तरफ ढूंढने लगे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। बोने मियाँ की परेशानी देखकर खरगोश बोला, अरे बोने मियाँ, तुम्हारी बोनी को तो बादशाह ले गया है, अब वो तुम्हें नहीं मिलेगी। ये सुनकर बोने मियाँ को बहुत गुस्सा आया। वो कहने लगा, मैं इस बादशाह को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। सुबह होते ही बोने मियाँ बादशाह से बदला लेने के लिए उसके महल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में जंगली बिल्लियों ने कहा, अरे बोने मियाँ, इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो? बोने मियाँ ने जवाब दिया, बादशाह मेरी बोनी को ले गया है, मैं इससे जंग करने जा रहा हूँ। बिल्लियों ने कहा, अगर ऐसी बात है तो हमें भी साथ रख लो, हो सकता है तुम्हें हमारी मदद की ज़रूरत पड़े। बोने मियाँ ने कहा, यूँ तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, फिर भी तुम चलना चाहती हो तो मेरी टोपी में घुस जाओ। देखते ही देखते सारी बिल्लियाँ बोने मियाँ की टोपी में घुस गई और बोने मियाँ आगे चल पड़े। कुछ ही दूर चले थे कि सामने से चूंटियों की एक कतार आ रही थी। चूंटियों ने कहा, भाई बोने, ये सुबह सुबह इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो? खैरियत तो है? बोने मियाँ ने कहा, मैं बादशाह से जंग करने जा रहा हूँ, उसने मेरी बोनी को हड़प कर लिया है, मैं बादशाह को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। बोने मियाँ की हमायत में चूंटियाँ भी टोपी में घुस गई और बोने मियाँ आगे चल पड़े। रास्ते में एक नदी आ गई। नदी बोली, बोने मियाँ कहाँ जा रहे हो? बोने मियाँ ने कहा, बादशाह के महल में जा रहा हूँ, उसने मेरी बोनी को चुराया है, मैं इससे जंग करने जा रहा हूँ। नदी ने कहा कि मुझे भी साथ ले चलो। बोने मियाँ ने कहा, ठीक है, तुम भी मेरी टोपी में घुस जाओ। पूरी की पूरी नदी बोने मियाँ की टोपी में घुस गई। बोने मियाँ बादशाह के महल में पहुँचा तो उसने बादशाह को ललकारना शुरू कर दिया। वो बोला, कहाँ है जालिम बादशाह जो मेरी बोनी को पकड़ के ले आया है? ज़रा सामने आए, मैं इससे जंग करने के लिए आया हूँ। ये सुनकर बादशाह खूब हंसा और बोला, मुझसे जंग करेगा? मैं एक फूंक मारूंगा तो तू उड़ जाएगा, जा भाग यहाँ से। बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे पकड़कर मुर्गियों के डरबे में डाल दो, सुबह तक मुर्गियाँ चूंचे मार मार कर इसको हलाक कर देंगी। बोने मियाँ को मुर्गियों के डरबे में फेंक दिया गया। बोने मियाँ को याद आया कि जंगली बिल्लियाँ भी इसके साथ आई हैं। उसने अपनी टोपी को हलाया और कहा, चल रही बिल्ली, तेरी बारी है। अब क्या था, बिल्लियों के तो मज़े हो गए, पल भर में सारी मुर्गियाँ चट कर गई। सुबह जब डरबे का दरवाज़ा खोला गया तो वहाँ सिर्फ पर और हड्डियाँ बिखरी हुई थी और बोने मियाँ मज़े से सो रहे थे। ये देखकर सिपाही बहुत हैरान हुए। बादशाह ने हुक्म दिया कि उसे हाथियों के अस्तबल में डाल दो, वो अपने पाँव से कुचलकर उसे मार देंगे। हाथियों को देखकर बोने मियाँ के होश उड़ गए, मगर फौरन ख्याल आया कि चूंटियाँ भी इसके साथ हैं। फौरन इसने अपनी टोपी हिलाई और बोला, चलो चूंटियों, अब तुम्हारी बारी है। देखते ही देखते चूंटियों की फौज हाथियों की सूंड में घुस गई और तमाम हाथी सर पटक पटक कर मर गए। सुबह सिपाही जब अस्तबल में पहुंचे तो हैरान रह गए, सारे हाथी मरे पड़े थे और बोने मियाँ जिंदा थे। सिपाहियों ने जाकर बादशाह से कहा कि वो तो कोई बड़ा जादूगर है, सारे हाथी मरे पड़े हैं और वो जिंदा है। बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि इसको मेरे तख्त के पास बांध दो, हम खुद अपनी तलवार से इसके दो टुकड़े कर देंगे। बोने मियाँ को अब मौका मिला और उसने कहा, चल री नदी, अब तेरी बारी है। फिर क्या था, टोपी हलाते ही हर तरफ पानी ही पानी हो गया। बादशाह, वजीर और उसके सारे सिपाही डूबने लगे।
बादशाह और उसका वजीर चिल्लाने लगे। बादशाह चिल्लाने लगा, खुदा के लिए बोने मियाँ, इस पानी को रोको, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी बोनी तुम्हें वापस कर दूँगा। बोने के कहने पर पानी इसकी टोपी में घुस गया और बादशाह ने फौरन बोनी को वापस कर दिया। बोने मियाँ इसको लेकर खुशी खुशी अपने घर चला गया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कमज़ोर पर जुल्म नहीं करना चाहिए, मालूम नहीं कब वो आपसे बड़ी ताकत बन जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल वंडरफुल स्टोरीज टीवी को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली स्टोरी आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया।